ये खबर भारत के लिए डराने वाली है। डराने वाली इसलिए क्योंकि देश अभी कोरोना की दूसरी महामारी से उभरा भी नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। इसी बीच भारत में एक ऐसा वायरस मिला है जो कोरोना से भी खतरनाक है। इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं खोजा गया है। इस वायरस से संक्रमित होने का मतलब है मौत, इसलिए इसे मौत का वायरस भी कहा जाए तो गलत नहीं है। इस खतरनाक वायरस के बारे में पूरी जानकारी आपको दें और भारत में ये मौत का वायरस कहाँ मिला है ये आपको बताएं। इसके पहले अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मौत देने वाला ये वायरस मिला है महाराष्ट्र में। इस खतरनाक वायरस का नाम है निपाह वायरस। महाराष्ट्र में चमगादड़ों से दो प्रजातियों में निपाह वायरस मिला है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इससे पहले कभी चमगादड़ों में ये वायरस नहीं पाया गया। ये वायरस आमतौर पर चमगादड़ों से इंसान में फैलता है। निपाह वायरस को रोकने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। सबसे चिंता की बात है कि इस वायरस से अगर कोई इंसान संक्रमित हो जाए तो 65% मामले में जिंदा नहीं बच पाता। इसलिए ये वायरस मौत का वायरस है। भारत में साल 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इस वायरस से संक्रमित 66 मरीज पाए गए, जिसमें से 45 की मौत हो गई। वहीं 2007 में निपाह ने पश्चिम बंगाल के नदिया में 5 जाने ली। बड़ी बात यह है कि 2007 में यही 5 मामले वहां आए हैं और सभी की मौत हो गई। ये वायरस चमगादड़ों से इंसान में फैलता है। चमगादड़ों द्वारा खाए गए या चाटे गए फलों से इंसान में फैलता है अगर ये वही फल इंसान खा ले। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक सुअरों से भी इंसान में इस वायरस के का खतरा है। इंसानों में निपाह वायरस का संक्रमण आँख, नाक और मुंह से के रास्ते होता है। अगर कोई इंसान निपाह वायरस के संपर्क में आ जाए तो उसे तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, बेहोशी छाने लगती है, उल्टी करने का मन करता है, मन और शरीर बेचैन रहता है, सुस्ती आना, रोशनी से डर लगना, शरीर के अंगों में दर्द होना, आँखों में जलन होना। अगर किसी इंसान में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इलाज शुरू करना बेहतर, और क्योंकि इस वायरस की चपेट में आने के बाद हालत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और मौत का खतरा होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़।